दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई लीग एरेना एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिल जाते हैं डेली टू डेली नए नए क्विज गेम्स। इन क्विज गेम्स में आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अगर क्रिकेट के बहुत ज्यादा दीवाने हैं तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और साथ में आपकी लर्निंग स्किल को भी इंक्रीज करेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ कॉइन्स, और उन कॉइन्स को आप कन्वर्ट करके डायरेक्टली अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यार, एप्लीकेशन बहुत कमाल की है, जाकर एक बार चेकआउट जरूर से कर लो, क्योंकि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग होने वाली है, तो एप्लीकेशन एक बार जरूर से चेक कर लेना। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक चैनल के बारे में, क्योंकि अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस वाले चैनल्स की, या फिर बात करते हैं व्लॉगिंग चैनल्स की, या फिर बात करते हैं रिएक्शन चैनल्स की, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो हर एक चैनल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, और कॉन्सेप्ट अलग होने की वजह से वहां पर जो मोनेटाइजेशन होने की या फिर डीमोनेटाइजेशन होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी अलग अलग हो जाती है। रूल तो आपका एक ही रहता है YouTube मोनेटाइजेशन का, बट पॉसिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। सो यार, आज हम बात करेंगे डीजे मिक्सिंग वाले चैनल्स के बारे में, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं इनमें थोड़ा मोनेटाइजेशन का अलग ही खेल है, तो आज डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। सो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के टाइम में 2019 की बात की जाए या फिर 2020 की बात की जाए, तो आज के टाइम में डीजे चैनल बनाना ये सही है या फिर नहीं है, और अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो फिर मेरी क्या राय है इस पर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी आज के टाइम में सोच रहे हैं डीजे चैनल को बनाना और फिर इसके बाद में यूट्यूब पर उसे रन कराना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डीजे चैनल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सारे चैनल्स के लिए नहीं है, डीजे चैनल के लिए ही है, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ जो कि डीजे चैनल्स को होती है, सॉन्ग उन्हें चाहिए होता है, सॉन्ग के बिना उनका डीजे चैनल नहीं चल सकता है, और ये कॉमन सी बात है। अगर हम बात करते हैं टैग चैनल्स की, तो वहाँ पर आप कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं, सॉन्ग मीन्स कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं, NCS की नो कॉपीराइट वाली म्यूजिक लगा सकते हैं, कॉपीराइट फ्री वाली म्यूजिक लगा सकते हैं, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डीजे चैनल्स होते हैं उनमें तो नए नए सॉन्ग्स आपको अपलोड करने होते हैं, नए नए सॉन्ग्स में कुछ चेंजेस करके, वहाँ पर कोई नई बीट लगाकर, कुछ बीट में चेंज करके या फिर कुछ पिच में चेंज करके सॉन्ग्स को क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है डीजे चैनल्स का। लेकिन डायरेक्टली अगर किसी चैनल के पास में, जहाँ से भी आप सॉन्ग को उठा रहे हैं, उस चैनल के पास में कंटेंट आईडी है, तो डायरेक्टली आपको वो क्लेम कर सकता है, आपके चैनल पर स्ट्राइक दे सकता है, तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। दूसरी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी चैनल से डीजे सॉन्ग वगैरह उठाते भी हैं तो ऑटो क्लेम का एक फंक्शन होता है जो कि यूट्यूब पर ऑटोमेटिकली रन करता है, उसके प्रोग्राम में ही ये चीज़ है कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि किस चैनल से सॉन्ग उठाया गया है। अगर उसके ऑटो डिटेक्शन में आ जाता है आपका चैनल, तो डायरेक्टली आपको क्लेम आ जाएगा, और क्लेम आएगा तो फिर यूट्यूब का यही मानना है कि आपकी इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपने किसी का कॉपी किया है। तो जब बात आ जाती है कॉपी होने की, तो वहाँ पर यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप डीजे चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं आज के टाइम में 2019 में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी अगर मैं बात करता हूँ कुछ दिनों पहले की, तो काफ़ी सारे डीजे चैनल्स के मोनेटाइजेशन बंद कर दिए गए। आपको पता होगा बहुत सारे डीजे चैनल्स के मोनेटाइजेशन बंद किए गए हैं। अगर हम अभी के टाइम में बात करें डीजे चैनल आप बना के फिर इसके बाद में आप मोनेटाइज करवाओ अपने चैनल को, तो ये बहुत ही रिस्की काम है। आप एक तो मेहनत करोगे, आपका 4000 वॉच आवर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स, ये सब आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, फिर मोनेटाइज हो या फिर ना हो, तो आपकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप डीजे चैनल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो अभी आप अपनी सोच को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप नया चैनल बना रहे हैं या आपके चैनल के 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो अभी आप कुछ चेंज कर सकते हैं अपने चैनल में, क्योंकि अभी आपका चैनल बिग लेवल पर गया नहीं है, बड़े लेवल पर गया नहीं है, तो अभी अगर आप चेंज कर दोगे तो सही होगा, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चैनल से कोई भी सॉन्ग उठाते हो तो ऑटो डिटेक्शन का फंक्शन, जो कि पहला यूट्यूब का है, दूसरा चैनल के पास में कंटेंट आईडी होती है, और तीसरा अगर हम बात करें तो कॉपीराइट मैच टूल आ गया है, उसकी हेल्प से भी डिटेक्ट हो जाता है, तो कोई भी चैनल आपको क्लेम कर सकता है, स्ट्राइक दे सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और इन सारी प्रॉब्लम में से कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो फिर मोनेटाइजेशन में दिक्कत है। सो ऐसे में अभी आपको क्लियर हो गया होगा इस चैनल के बारे में। और यार, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने वो एप्लीकेशन ट्राई नहीं किया है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप जरूर से एक बार ट्राई कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लो, जाकर एक बार चेकआउट कर लो। सो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.